हेलो गाइस, मैं सक्षम जनाब सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप पेपर नंबर 3 सेपरेट मैथ्स में 30+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। 40 में से सबसे खतरनाक सब्जेक्ट आपको लगता है, सबसे खतरी सब्जेक्ट लगता है सीए फाउंडेशन का, तो आज हम बिल्कुल सिंपल कुछ देर में या सिंपल स्ट्रेटेजी में, आप सिंपल स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आप उसको आराम से समझ जाएंगे कि आप 30+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपका रीजनिंग और स्टेट्स अच्छे से हुआ हुआ है तो आपको सबसे पहले चैप्टर 4 एनुटी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला उठाना है। वो अकेला चैप्टर 12 टू 16 मार्क्स का आता है, मतलब ये लगा लीजिए 40% एक तरफ और लास्ट 60% एक तरफ, ये समझ रहे हैं आपकी, मतलब 30-40% मार्क्स एक तरफ और 60-70% मार्क्स एक तरफ। एक चैप्टर से आपको 30-40% स्कोर हो सकता है, तो मतलब ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात रहने वाली है कि आपके लिए 30-40% स्कोर एक सिंगल चैप्टर से हो रहा है। तो चैप्टर 4 अच्छे से कीजिए भाई, बिल्कुल हमारे 10 तक हम लोगों का पढ़ा हुआ होता है। एनुटी मान सकता हूँ कि आप लोगों ने किसी ने ना पढ़ी हो, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो यार मतलब पढ़ी भी है हमने। देखो झूठ मत बोलना, कोई भी हमने आराम से पढ़ी भी है 10th तक, तो इसलिए आराम से आप उस चैप्टर को कीजिए। फॉर्मूले का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से कर लिए और आईसीई मॉड्यूल के एबीसी वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, कैटेगरी वाले जो उसमें दे रखे हैं, आराम से पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सीखे, तो आपका आराम से चैप्टर 4 क्लियर है। फिर उसकी बात करते हैं, आपको चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन 10th तक पढ़ी हुई है, तो झूठ मत बोलना, आराम से इक्वेशन के चैप्टर को कीजिए। फिर इनइक्वालिटी का चैप्टर कीजिए, यही आपके 20 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं आराम से। अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए तो 22-22 मार्क्स आपके बिल्कुल आराम से यहीं स्कोर हो जाते हैं, सिर्फ ये 3 चैप्टर से। फिर बात करते हैं, आप चैप्टर 1 पे आ जाइए, रेशो इंडिसेस और प्रोपोर्शन कर लीजिए। लोगरिथम के लिए बताऊंगा सबसे लास्ट में, बताता हूँ लोगरिथम के लिए मैं आपको, ये 3 यूनिट कर लीजिए चैप्टर 1 की, तो आपके यहाँ पर 23-24 मार्क्स यहाँ पर आपके स्कोर हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं भाई, अब क्या कहते हैं, ये आपको मैंने आपको 4 चैप्टर बता दिए हैं और 24 मार्क्स के लिए बताते हैं ये 4 चैप्टर। अब देखो बात करते हैं, आप करो एपी और जीपी 4 से 5 नंबर का बिल्कुल आराम से आने वाला है। एपी और जीपी वही 4 से 5 नंबर, आप सोच लो 5 चैप्टर अगर आपको ये सारे एड ऑन कर दो तो भाई आपके यहाँ पर 29-30 मार्क्स की स्ट्रेटेजी आपको मैंने सिर्फ 5 चैप्टरों से बता दी है। आराम से कीजिए एपी जीपी। अगर आपने 11th 12th में मैथ्स थी तो जीपी आपके होगी 11th 12th में, अगर नहीं तो भाई एपी की ही जैसी जीपी है। जीपी में थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम दे देना, लेकिन जीपी बहुत आसान है, एपी जैसी ही है जीपी, तो अपना टाइम एड ऑन करना एपी जीपी में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, आप सेट फंक्शन रिलेशन या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, ये आपकी चॉइस रहेगी, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ ये सारी बातें कि आपको इन दोनों में से कौन सा उठाना है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 4 क्वेश्चन आते हैं, आराम से 2 परम्यूटेशन 2 कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना उन 4 में से 2 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम वेरिएबल वाले होते हैं, बिल्कुल जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक है, जिस बच्चे को उस चैप्टर का बेसिक आता है ना, तो वो 2 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट करके आता है उसके, और होने को चारों भी अटैम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि चारों क्वेश्चन बिल्कुल ही ये लगा लीजिए वो चैप्टर अगर 100% का है तो उसके 30% लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनमें से 2 क्वेश्चन, और 2 तो बिल्कुल 10-15% मतलब बिल्कुल बेसिक होता है, 10-15% उस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई आराम से मैं कह रहा हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक पढ़ के जाइएगा भाई आप लोग, तो आपके यहीं 30+ स्कोर हो जाता है। और अभी भी एक चैप्टर और बता रहा हूँ आपको, सेट फंक्शन और रिलेशन, इसको कैसे करना है। सेट फंक्शन और रिलेशन में भाई देखो, बात करें हम फंक्शन की तो उसमें कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको अच्छे से कर जाना। और सेट में भाई अगर आपने सेट की प्रॉपर्टीज या टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए तो आपका सेट का टॉपिक भी मोस्टली कवर हो जाता है। जैसे नल सेट क्या होता है भाई, 0 सेट होता है, इस तरीके से अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो आपके चैप्टर 7 भी मोस्टली कवर हो जाएगा 2 से 3 नंबर का। यहीं आपके 35 नंबर की स्ट्रेटेजी बता दिए। अभी भी भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बच रहा है और लॉगरिथम बच रहा है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 3-4 मार्क्स का आता है, छोड़ सकते हो भाई बिल्कुल लास्ट में करना। और लॉगरिथम की बात करें, लॉगरिथम का भी बेसिक कर लीजिए, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और उनमें से 1 क्वेश्चन अगर बेसिक का मिल गया तो आपके भाई 35 नंबर यहीं स्कोर हो जाते हैं। लेकिन आपको इसके लिए पता है क्या ध्यान रखना है, आप लोग पता है पेपर तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपको आता भी है 35 नंबर का, 30+ नंबर का आपको आता है, मैं गारंटी मानता हूँ कि जो बच्चा सीए फाउंडेशन का देखे जा रहा है तो मैं 30+ नंबर की करके जाता हूँ, उसे हमेशा डर रहता है, इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई। आपको इस वे में फॉलो करोगे, आपने अगर शुरू के 5 चैप्टर फॉलो कर लिए तो आपके 30 मार्क्स से 25-30 मार्क्स वहीं बन रहे हैं, तो इसलिए भाई स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। लेकिन पता है आपको क्या करना है, आपको पेपर जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल इजी जो आग देखते ही क्वेश्चन आ रहे हैं उसको एक बार में करना है, और फिर जो हल्के से हार्ड है उसको सेकेंड राउंड में, फिर जो सबसे ज़्यादा हार्ड है उनको थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में उनमें दिमाग लगाना है कि भाई जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो भाई आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं तो आपके आराम से 30+ नंबर आराम से आएंगे मैथ्स में। और भाई आपकी कोई भी क्वेरी हो और कोई भी किसी भी अदर टॉपिक से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो भाई
कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, भर दीजिए कमेंट सेक्शन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी पर्सनल डाउट हो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ पर मेरे को कमेंट वो मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट भाई सभी को, एक प्यारी सी स्माइल बनाकर वीडियो को एंड करते हैं।